आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आधारभूत AAA तथा AA क्राइटेरिया के बारे में जाना। इस वीडियो में इस पर आधारित एक और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। चित्र में त्रिभुज FEC व GDB सर्वांगसम तथा कोण 1 व 2 समान हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ADE व ABC समरूप हैं। प्रश्न से हम जानते हैं कि त्रिभुज FEC व GDB सर्वांगसम तथा कोण 1 व 2 बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज FEC व GDB सर्वांगसम हैं। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं, जिससे हमें समीकरण 1 मिलती है। अब यदि हम त्रिभुज ADE में देखें तो हम जानते हैं कि कोण 1 व 2 समान हैं। आपको याद होगा कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अतः भुजाएं AD व AE बराबर होंगी। समीकरण 1 व 2 का यदि अनुपात निकालें तो हमें समीकरण 3 मिलती हैं। समीकरण 3 हमें बताती हैं कि रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC को समान अनुपात में बांटती है। इससे आप क्या बता सकते हैं? अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोमानुसार हम कह सकते हैं कि DE व BC समांतर रेखाएं हैं, जिससे कोण 1 कोण 3 के तथा कोण 2 कोण 4 के बराबर हो जाते हैं। क्या बता सकते हैं क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के संगत कोण समान होते हैं, जिससे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC संगत कोण 1 व 3 तथा 2 व 4 बराबर हो जाते हैं। अतः AA क्राइटेरिया से त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC समरूप होंगे। यही हमें सिद्ध करना था। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे दो त्रिभुज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम व AA क्राइटेरिया की मदद से समरूप सिद्ध किए गए। हमें उम्मीद है कि आपको अब AA क्राइटेरिया की अच्छी समझ बन गई होगी।